है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम एस एडिट। तो आज की वीडियो होने वाली गाइस राजस्थानी मारवाड़ी डीजे स्टेटस होने वाला है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई इस सॉन्ग पे आप वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ये गाने का नाम बता देता हूँ गाइस, मारा भाई का नाम पूरा गाँव दूजे। ठीक है, तो ये वाला सॉन्ग होने वाला है, इसी सॉन्ग पे वीडियो एडिट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो आपने अभी प्रीव्यू नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस आगे बताते हैं। तो प्रीव्यू देखिए पहले। तो हे गाइस, आज का प्रीव्यू आपको कैसा लगा, स्टेटस कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जो आपने अभी देख भी लिया होगा, यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हो, सेम टू सेम इसी तरह का स्टेटस एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़े। अलर्ट मोशन का लेटेस्ट मॉडल वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। और गाइस, इस वीडियो के अंदर जो भी वीडियो इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट यूज किया, बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेकेपे प्रोजेक्ट और फॉन्ट वगैरह और वीडियो वगैरह, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यूज कैसे करना, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले यार, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ये दो प्रोजेक्ट है ये इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा एम एस एडिट बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट रहेगा और इधर गाने का नाम रहेगा, और दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट रहेगा और इधर गाने का नाम रहेगा। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा आपको। तो सबसे नीचे आपको सॉन्ग आ रहा, तो बहुत भाइयों के यार ये सॉन्ग म्यूट हो जाता है, मतलब आवाज नहीं आती सॉन्ग की। तो इस सॉन्ग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड करके ऐड कर लेना। तो गाइस, ऐड कैसे करना सॉन्ग को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद ऑडियो पे क्लिक कर देना, उसके बाद में यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक कर देना, उसके बाद में जो डाउनलोड करोगे वो सॉन्ग वो सबसे नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे जाके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा सॉन्ग। तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। ठीक है, उसके बाद में अब आपको यहाँ पे लिरिक्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो अभी आपको ये इंग्लिश के अंदर दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना क्या होगा, इनका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना, और इस फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, हिंदी फ़ॉन्ट रहेगा वो। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड करके ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद में आपको इनका फ़ॉन्ट वगैरह जितने भी लिरिक्स है इसको चेंज करना होगा। तो इसी लिरिक्स पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद डबल टेक्स पे क्लिक करना, ऊपर चले जाना और यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला फ़ॉन्ट रहेगा, इस फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड करके ऐड कर लेना अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। अगर ऐड करना नहीं आता तो ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखी, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या चैनल को चेकआउट कर लेना। ठीक, जैसे आप चेंज करोगे तो देखिए इस प्रकार से आपका हिंदी के अंदर हो जाएगा नाम, जो देख सकते हो गाइस, पहले आपको इंग्लिश के अंदर है, उसके बाद अगले लिरिक्स पे जाएंगे, फिर इसका भी आपको फ़ॉन्ट इस प्रकार से आपको चेंज कर लेना। तो जितने भी लिरिक्स हैं इनके मैं सभी के यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ पहले, तो फिर आगे का प्रोसेस आगे बताते हैं। सो ओके गाइस, देखिएगा गाइस, मैंने सभी लिरिक्स के यहाँ पे चेंज कर लिया, लिरिक्स का आपका फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर लिया, ये हिंदी के अंदर हो गया। लिरिक्स के अंदर भी आपको इफेक्ट लगाना होगा, तो यहां से आपको बैक चले जाना, बैक जाने के बाद इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहां से आपको देखिए नीचे नीचे ये लेयर आ रहा होगा, ये वाला फर्स्ट वाला लेयर। ठीक है, नीचे नीचे वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपको बैक चले जाना गाइस, और उसके बाद बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले लिरिक्स फर्स्ट वाला लिरिक्स इस पर क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा, जो देख सकते हो गाइस। ठीक है ना, तो इसके अंदर इफेक्ट आ गया। फिर अगले लिरिक्स पर क्लिक करना, उसके बाद में इनके अंदर भी इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। जितने भी लिरिक्स हैं इनके अंदर आपको इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक, तो ये लास्ट लिरिक्स रह गए, तो इस पर भी आप इस प्रकार से ये कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या करना होगा गाइस, अब आपको देखिए नीचे जाना, और यहाँ पे देखिए दो नंबर वाला लेयर है ये वाला, ये हाइड रहेगा तो इसको ऑन कर देना, तो ये बैकग्राउंड आपका यहाँ पे अनेबल हो जाएगा, जो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अब यहाँ से आपको फोटो ऐड कर लेना है। फोटो कैसे ऐड करना वो तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 7.27 सेकंड से आपको फोटो ऐड करना होगा, तो 7.27 सेकंड पे आ जाना फर्स्ट बीट मार्क पे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो है। ठीक, तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाली फोटो मेरे को ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए ये वाली फोटो ऐड करना, तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये फोटो फुल स्क्रीन नहीं है तो आपको फुल स्क्रीन करना, तो थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपेक्शन एरिया क्लिक करेंगे, तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको
और उसके बाद में ये फोटो यहाँ तक इसको इस बीट मार्क तक लेनी होगी तो इस वाले बीट मार्क पे आ जाना, उसके बाद इसी फोटो पे आपको क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी। और उसके बाद में अगली फोटो एड करना होगा तो अगली फोटो एड करने के लिए अगले बीट मार्क पे आ जाना, फिर से प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना और जो भी फोटो आपको एड करना है, मान लीजिए ये वाली फोटो एड करना है तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये फोटो फुल स्क्रीन नहीं है तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फुल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो अगले बिट मार्क पे चले जाएगा, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके पीछे का स्टफ हट काट देना। इसी प्रकार से आपको एंड तक फोटो एड कर लेना और लास्ट में आपको एक ग्रुप मिलेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको फोटो में बताऊंगा उस तरीके से लगाना होगा। और यहाँ पे बीच में देखिए गाइस, और यहाँ पे एक वीडियो लगेगा गाइस यहाँ पे, ठीक है 14.6 सेकंड पे यहाँ पे एक वीडियो लगेगा तो मैं वीडियो भी एड कर लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो लगाने के लिए यहाँ पे आ जाना 14.6 सेकंड पे, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो है, ठीक है तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ये वाली वीडियो मेरे को सेलेक्ट करनी है, ये वाली वीडियो लगानी है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वीडियो फुल स्क्रीन नहीं है तो इसको फुल स्क्रीन करना, तो यहाँ पे थ्री डॉट इसी वीडियो पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे तो वीडियो का साइज फुल हो जाएगा। अब ये वीडियो आपको कहाँ तक रखनी होगी, अगले बिट मार्क तक रखनी होगी, यहाँ तक 17.9 सेकंड तक, और पीछे का स्टेप पार्ट है वो काट दीजिएगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो पीछे का स्टेप पार्ट कट जाएगा। तो आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से आएगी जो अभी आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो चाहिए आपको तो यार मेरे इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये वीडियो दे दूंगा मैं तो यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में अगर आप अपनी वीडियो लगाना चाहते हो तो यहां पे अपनी वीडियो पे लगा दे। उसके बाद यहां से आपको फिर से फोटो एड कर लेना है यहां तक, ठीक है देखिए गाइस यहां तक आपको यहां तक फोटो एड कर लीजिएगा, यहाँ तक 23.34 सेकंड तक फोटो एड कर लेना। उसके बाद में एक ये ग्रुप आएगा, ये मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे आपको क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सभी फोटो एड करके फिर बताता हूँ आपको। सो ओके गाइस देखिए मैंने सभी फोटो यहाँ पे ऐड कर लिए, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे फोटो ऐड कर लेना। और एंड एंड के अंदर ग्रुप रहेगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना होगा उसके अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, ठीक है तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इन फोटो के अंदर आपको कौन सी फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है और कौन सी फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली आ रही है, ठीक है, जो 7.27 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर आपको कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको बैक चले जाना गाइस और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपको बैक चले जाना है, ठीक है ना। बैक जाने के बाद बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहां से आपको देखिए फर्स्ट वाली फोटो आ रही है वहां पर चले जाना, तो फर्स्ट वाली फोटो मेरी यहां पर आ रही है, ठीक है। तो देखिए 7.27 सेकंड पे आ रही है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली फोटो ये वाली। अब आपको इसी फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर यार इफेक्ट लग जाएगा जो बहुत ही शानदार इफेक्ट है गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आएगा जो कि देख सकते हो गाइस, ठीक है। यहां तक काम हो गया पहले फोटो, फिर अगली फोटो ये वाली आ रही है, ये एक फोटो के अंदर ये वाला एक फोटो के अंदर इफेक्ट लगेगा, उसके बाद अगली फोटो ये वाली आ रही है। अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहां से आपको फिर से बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और यहाँ पे दो नंबर वाली फोटो ये वाली, ठीक है, तो दो नंबर वाली फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो आपको मैं टाइमिंग बताऊंगा उस टाइमिंग पे चले जाना जहाँ पे आपकी सेकंड फोटो आ रही है, ठीक। तो देखिए सेकंड फोटो मेरी यहाँ पे आ रही है, ठीक, जो देख सकते हो गाइस 9.48 सेकंड पे आ रही है सेकंड वाली फोटो, ठीक है। तो देखिए गाइस 9.48 सेकंड पे आ रही है सेकंड फोटो, तो आप फोटो पे क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस जो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो देख सकते हो गाइस बहुत ही शानदार इफेक्ट है, ठीक है। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो तक लगाना वो टाइमिंग देख लो गाइस, तो टाइमिंग रहेगा 9.48 सेकंड से लेकर, और ये इफेक्ट आपको कहां तक लगाना है यहां तक, ठीक है ना गाइस, यहां तक ये वीडियो आ जाएगी यहां इसके बाद, ठीक है। तो यहां तक लगाने 14.6 सेकंड तक, ठीक है, तो यहां तक आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, ये वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के बाद में आपको फिर से आपकी फोटो स्टार्ट हो रही है वाली, ठीक है, यहां से आपको फिर से फोटो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ अब इस फोटो के अंदर ये वाली फोटो आ रही है, अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है यहाँ से आपको बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और यहाँ पे तीन नंबर वाली फोटो रहेगी, तीन नंबर वाली फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद जो टाइमिंग बताऊंगा उस जगह चले जाना, वीडियो के जस्ट बाद में चले जाना गाइस, ठीक है। तो वीडियो के जस्ट बाद कहाँ पे यार, यहाँ पे ये वीडियो आ गई, उसके जस्ट बाद में ये वाली फोटो आ रही है, फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो देखिए गाइस तो कुछ इस प्रकार से आएगा ये इफेक्ट, ठीक है। अब ये इफेक्ट आपको कितने फोटो तक लगाना वो टाइमिंग देख लो, 17.9 सेकंड से लेके, और ये इफेक्ट आपको यहां तक लगाना गाइस ग्रुप के ग्रुप तक, ठीक है, ये ग्रुप आ रहा है इसके पहले यहां तक, ठीक है,
इस फोटो तक आपको ये वाले इफेक्ट इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ तक, ठीक है। जो देख सकते हो गाइस वो टाइमिंग भी देख लो, 23:34 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ये इफेक्ट लगा दीजिएगा, जो कुछ इस प्रकार से ये इफेक्ट लग गया गाइस, ठीक है ना। अब आपको ये उसके बाद में ये ग्रुप आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना वीडियो, यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे ये ग्रुप के नीचे आपको एक फोटो ऐड करना होगा पहले, तो फोटो ऐड करने के लिए आपको इस बिट मैप पे आ जाना, 23:34 सेकंड पे आ जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर लेना, और यहाँ से आपको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो है, ठीक है। सो ओके गाइस, मैंने यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट लिया, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद में ये वाली फोटो रहेगी सबसे पहले, ठीक है। इस फोटो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर ले। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे फोटो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को अगले बिट मैप तक लेनी होगी तो इस वाले आइकन पे दो बार क्लिक करना, अगले बिट मैप पे आ जाएगा, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो ठीक है यहाँ तक आ जाएगी ये फोटो, ठीक है, जो आपके जो ग्रुप है उसके बराबर में हो जाएगी। अब इस फोटो को आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से होल्ड करके रखना और नीचे ले लेना, ठीक है ना। नीचे लेने के बाद अब आपको इस ग्रुप जो ग्रुप के अंदर फोटो लगाना होगा तो इसी ग्रुप पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, उसके बाद ना यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, और उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना गाइस। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये वाली फोटो मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को आपको यार एंड तक लेना होगा, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये एंड तक आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद में ये अभी ये सर्कल है जो ये वाला लेयर है, इसके नीचे ये फोटो को लेना होगा, तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना और नीचे ले आना फोटो, फोटो इसके अंदर आ जाएगी। इस फोटो की थोड़ी साइज बढ़ानी है आपको, तो इसी फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा इस मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, और उसके बाद साइज पे क्लिक करके इसकी साइज इस प्रकार से आप बढ़ा दीजिएगा, और देखिएगा इस आपको अपने हिसाब से बढ़ा लेना, मैं अपने हिसाब से बढ़ा रहा हूँ इसकी, और आप अपने हिसाब से इसकी साइज बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो मैं गाइस यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ तक बढ़ा ली, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी फोटो को नीचे लेंगे, तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ फोटो, ठीक है ना, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना, दो बार बटन दबाओगे बैक और बैक चले जाना, अब आपका वीडियो फाइनल गाइस आपका कंप्लीट हो गया, और आपका जो वीडियो देखोगे वीडियो के अंदर आपको इसके अंदर फोटो ऐड हो जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से आएगी, जो बहुत ही शानदार। तो फाइनल गाइस आपका वीडियो कंप्लीटली बन जाएगा। उसके बाद में अब इसके अंदर आपको बॉर्डर पीएनजी लगाना, तो बॉर्डर पीएनजी लगाने के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर चले जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर लेना, उसके बाद यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर में आपका बॉर्डर पीएनजी है, ठीक है। तो इस बॉर्डर पीएनजी का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो ये वाला बॉर्डर पीएनजी रहेगा गाइस, ठीक है। तो देखिएगा इस कौन सा बॉर्डर पीएनजी, ये वाला, ठीक है। तो इस बॉर्डर पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर पीएनजी यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बॉर्डर पीएनजी को एंड तक लेना होगा, तो एंड के अंदर चले जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, तो ये एंड तक आ जाएगा। अभी ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद लाइटन पे क्लिक करके और इसको स्क्रीन कर देना, तो ये देखिएगा इस आपकी फोटो दिख जाएगी और आपका जो बॉर्डर पीएनजी भी लग गई है, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना, लोगो ऐड करने के लिए फिर से स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, तो देखिएगा इस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, और ये देखिएगा इस फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये वाला लोगो मेरे को ऐड करना, तो लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है तो ये लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसकी साइज कम करनी है तो मूव एंड ट्रांसफर जाएंगे, और उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी साइज आपको अपने हिसाब से थोड़ी सी कम कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 800 कर लेता हूँ इसकी साइज, ठीक है। 800 करने के बाद इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो आ गए। अगर आप भी कुछ इस तरह का लोगो एडिट करना चाहते हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी, जाके देख लेना गाइस, तो आप इस तरह का लोगो एडिट करना सीख जाओगे। अब फाइनल गाइस आपका वीडियो अभी इस लोगो को यार यहाँ तक ही है, अब लोगो को भी एंड तक करना होगा, तो एंड के अंदर चले जाना है, ठीक है गाइस, और इसी लोगो वाले लेयर पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है गाइस, और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये लोगो का एंड तक आएगा। फाइनल गाइस आपका वीडियो कंप्लीटली हो गया। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद वीडियो पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन आ जाएगा। आपके फोन में जो सपोर्ट करा वो रख लेना, तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा, तो मैं 1080 रख लेता हूँ। इसको फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी को भी इस प्रकार से फुल कर देना, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरी 100% यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस। तो है गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।